हेलो अर्थ साइन, इफ़ यू आर डीलिंग विद द अर्थ साइन मीन्स कैप्रिकॉर्न वर्गो और टॉरस, अगर आपका इनमें से कोई भी साइन है और आप सेम साइन के साथ जो है अर्थ साइन वालों के साथ डील कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। सितंबर के मंथ में देख लेते हैं आपकी लव एनर्जी क्या रहेगी। एनर्जी आप चेक इन कर लेना, कौन सी साइड जो है आपसे रेजोनेट कर रही है, कौन से आपके पार्टनर की सिचुएशन के साथ रेजोनेट कर रही है और वाइस वर्सा, राइट। सो लेट मी टेक द वन साइड फर्स्ट। तो अर्थ साइन वालों की फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए सितंबर में क्या रहने वाली हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तीन कार्ड हैं, एक कार्ड और लूंगी मैं। आखिर एक साइड जो है अर्थ साइन वालों की, उनकी लव फीलिंग सितंबर के मंथ में अपने अर्थ साइन वालों के लिए आखिर क्या रहेगी। तो हमारे पास यहाँ आ गया है सिक्स ऑफ पेंटिकल। तो जो ये वाला पाइल निकल के आया है ये अपने थोड़े मेंटल इल्यूजन्स में गुम है, मेंटल ट्रैप अपने ही बनाए हुए, एक फियर्स की बहुत ज़्यादा घबराहट है किसी चीज़ को लेकर, फियर्स हैं माइंड में, अपने ही जाल में, अपने माइंड में इल्यूजन्स में खोया हुआ है। और उन इल्यूजन्स को तोड़ने के लिए अच्छी बात ये है कि ये इंसान ईगरली कम्युनिकेट करना चाहता है अपने पार्टनर के साथ। ये इंसान जो है वो रश करना, दौड़ते हुए अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन चाहता है, डेस्परेटली कम्युनिकेशन चाहता है। तो अगर ये आप डेस्परेटली कम्युनिकेशन चाहते हैं तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। हाँ, कुछ डर है, कुछ इल्यूजन्स है माइंड में कि आखिर ऐसे नहीं हो जाएगा, वैसे नहीं हो जाएगा, लेकिन आप उसको कम्युनिकेट करना चाहते हैं जो भी आपके दिमाग में चल रहा है अपने पार्टनर के साथ, और आप एक क्लैरिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में ताकि एक नई शुरुआत हो सके। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वॉर्ड्स निकल के आई हैं, मतलब एक इंसान ये जो जिसकी भी पाइल है बहुत ज़्यादा सोचता है, थिंकिंग 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 करता रहता है और कम्युनिकेशन बहुत ईगरली चाहता है और कुछ चीज़ें जो हैं ट्रुथ बोल के क्लियर करना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है या कुछ बताना चाहता है सच्चाई को अपने पार्टनर के साथ। और जो चौथा कार्ड है वो है सिक्स ऑफ पेंटिकल। और साथ ही साथ ये जो इंसान है ये किसी को हेल्प आउट कर रहा है अपनी लाइफ में, अपने फैमिली मेम्बर्स को या अपने किसी फ्रेंड्स को या अपने पार्टनर को किसी ना किसी सॉर्ट ऑफ वे में हेल्प कर रहा है, इमोशनली, फाइनेंशियली, हाउ जैसे भी आप कर रहे हो तो वैसे ले सकते हैं, और एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये तो एक साइड वाला हो गया इंसान जो बहुत ज़्यादा सोचता है, जो कम्युनिकेशन करने के लिए मरा जा रहा है, सॉरी फॉर माय दिस वर्डिंग, बट बहुत डेस्परेट एनर्जी देखने को मिल रही है मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन को लेकर, इसीलिए मैंने ये वर्डिंग यूज़ की है कि आखिर बहुत बुरी तरह एक इंसान जो है कम्युनिकेट करना चाहता है अपने पार्टनर के साथ। और बॉटम ऑफ द डेक भी दिख रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल ये दिखा रहा है कि चाहे इतनी ज़्यादा फील कर रहा है कि कम्युनिकेशन चाहिए, लेकिन कम्युनिकेशन के साथ साथ एक सीरियस नोड पे कुछ स्टार्ट करना चाहता है अपने पार्टनर के साथ, नॉट ऑन अ फ्लर्टी वे, राइट। सो एक सीरियस ऑफर जो है अपने पार्टनर को देना चाहता है आफ्टर गेनिंग द क्लैरिटी, लेकिन क्लैरिटी को गेन करने के बाद, ठीक है, एक स्ट्रेटजाइज बना रहा है एक इंसान। तो देख लेते हैं दूसरे इंसान की फीलिंग्स क्या है इस इंसान के लिए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। दूसरे अर्थ साइन की फीलिंग उनके इस पार्टनर के लिए आखिर क्या होने वाली है सितंबर के मंथ में। काफी सारे कार्ड्स निकल के आ गए हैं यहाँ पे। थ्री ऑफ पेंटिकल निकल के आया है, नाइट ऑफ वैंड्स निकल के आया है, टू ऑफ कप्स निकल के आया है, टू ऑफ पेंटिकल निकल के आया है, हैंगमैन निकल के आया है, फोर ऑफ पेंटिकल निकल के आया है, टेम्परेंस कार्ड आया है। जो ये वाला इंसान है ये देख रहा है कि इस कनेक्शन में सब कुछ स्टक है, रुक गया है, ठीक है, और चीज़ें जो हैं वो अनबैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं। जो इधर वाला इंसान है अच्छे से जानता है कि यहाँ पे एक स्टकनेस फेज है, बिल्कुल नो कम्युनिकेशन सॉर्ट ऑफ अ थिंग है, और एक सेम साइकिल जो है कनेक्शन में रिपीट होता है बार बार, ऑन ऑफ ऑन ऑफ, वो वाली सिचुएशन चल रही है आपके कनेक्शन में। और पैशन की कोई कमी नहीं है, लव की कोई कमी नहीं है, उनकी साइड से भी आपके लिए कोई लव की कमी नहीं है, कोई पैशन की कमी नहीं है। आप दोनों जो हैं नाइट के लेवल पे एक दूसरे से जो है डील कर रहे हैं, दोनों ही नाइट हैं, सेम पेज पे हैं। आप अगर ये वाला इंसान जो है कम्युनिकेशन चाहता था ईगरली, ये वाला इंसान जो है पैशनेट फील करता है, अट्रैक्शन फील करता है बहुत ज़्यादा दूसरे इंसान को लेकर, दोनों ही एक दूसरे की तरफ जो है बढ़ना चाहते हैं,
टू ऑफ कप भी दिखाता है कि एक सोलफुल कनेक्शन है दोनों के बीच में, दोनों का म्यूचुअल लव है, एक साइड एक तरफा लव नहीं है, ये म्यूचुअल एनर्जी है। फोर ऑफ पेंटिकल, जो दूसरे वाला इंसान है उसको वो लेट गो कर ही नहीं सकता, इस इंसान को चाहे जो मर्जी हो जाए ये इंसान लेट गो नहीं कर सकता इस पार्टनर को। और डेफिनेटली थ्री ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि कुछ बनाना चाहता है, सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाहता है इस कनेक्शन में। और टेम्परेंस कार्ड ये अगेन दिखा रहा है कि वो अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, पेशेंटली डील कर रहा है इस कनेक्शन में कि आखिर कैसे आगे क्या सिचुएशन हो सकती है। तो वो अपने पहले तो इमोशंस को बैलेंस करने में लगा हुआ है पेशेंटली, बहुत ही धीरे धीरे जो है यहाँ सिचुएशन को समझने की कोशिश में लगा हुआ है, जो सेकंड साइड वाला पाइल है। अब देख लेते हैं फाइनल आउटकम क्या निकल के आएगी, आखिर फाइनल आउटकम इस कनेक्शन की क्या निकल के आने वाली है। पेज ऑफ पेंटिकल एक और लेंगे सितंबर के महीने में, इन दोनों की फाइनल आउटकम आखिर क्या निकल के आने वाली है। बहुत ज़्यादा कार्ड निकल रहे हैं आपकी पाइल में, मैं सारे ले लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक फोर ऑफ वैंड्स है, फोर ऑफ वैंड्स दिखाता है कि कोई यहाँ पे डेट की प्लानिंग हो सकती है, रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। टावर मूवमेंट आफ्टर द सेपरेशन, पैचअप हो सकता है क्योंकि हम मैनिफेस्ट, एक इंसान दोनों में से जो है मैनिफेस्ट कर रहा है। क्या मैनिफेस्ट कर रहा है? टेन ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल अबंडेंस, इमोशनल सेटिस्फेक्शन, एक इंसान दूसरे को ऑफर करेगा और एक डिसीजन लिया जाना भी ज़रूरी है यहाँ पे। और उसके बाद जो एक न्यू बिगनिंग की पूरी पूरी होप यहाँ नज़र आ रही है, और साथ में जो वो अबंडेंस, क्योंकि जो यहाँ पे जो इंसान जो ऑफर करेगा दूसरे इंसान को वो चाहता है कंप्लीट अबंडेंस, होम लाइक फैमिली, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अट्रैक्शन, पैशन, न्यू बिगनिंग, ठीक है। एक डिसीजन यहाँ लिया जाएगा, एक मैसेज यहाँ पे डिलीवर होगा एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को। और हाँ, एक बार चीज़ें चाहे बिखर जाएंगी लेकिन उसके बाद एक इंसान जो है, यही जो इंसान ऑफर करेगा वही मैनिफेस्ट करने में लगा हुआ है इस मैरिज को, इस कमिटमेंट को, इस टेन ऑफ कप्स को, और रिस्क लेने के लिए जो है यहाँ पे रेडी हैं दोनों पार्टीज, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, एडवाइस ले लेंगे पहले पाइल के लिए, एक एडवाइस लेंगे फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, एक एडवाइस लेंगे एक कार्ड। ओके, दो कार्ड आ गए हैं, दोनों ले लेते हैं। हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। तो जो पहला पाइल था वो किसी के साथ मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कोई न्यू पर्सन के साथ भी आप डिस्कस कर सकते हैं अपनी सिचुएशन को। और दूसरी एडवाइस आई है शार्क, टेक केयर एंड देयर विल बी लॉस ऑफ मटीरियल वेल्थ। तो आपको अपनी मटीरियल वेल्थ को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपका टोटल फोकस जो फर्स्ट पाइल वाले थे अपने पार्टनर पे था, तो आपको जस्ट उनसे ध्यान हटा के अपनी थोड़ी फाइनेंशियल सिचुएशन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब दूसरे इंसान के लिए एडवाइस ले लेते हैं हम, एडवाइस फॉर द सेकंड पर्सन। तो यहाँ निकल के आया है विक्ट्री इन सम एंडेवर। तो यहाँ सक्सेस की जो है, सक्सेस एक आती हुई नज़र आ रही है इस इंसान की लाइफ में, इस कनेक्शन में। वेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग, बिना बात के किसी बात की चिंता है लेकिन उसमें सक्सेस जो है मिल जाएगी, जो सेकंड रो था हमारा। तो ये एक छोटी सी रीडिंग थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।